वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा, आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो ESSE MTS का एग्जाम देने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बताऊंगा, तो ध्यान से और पूरा इस वीडियो को देखिएगा। 2.5 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता चलेगा जो आपके लिए जरूरी है, जिससे आप एग्जाम में कोई भी चीज मिस ना कर सके। ठीक है, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड में नाम चेंज है, फीमेल कैंडिडेट जिनकी शादी हो गई, जिनका जो शादी बाद का नेम एडमिट कार्ड में है और ID में अलग है, तो उनके लिए भी क्या उनको करना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको कि ये बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ कि आपने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड किया होगा, वहां पर फोटो के बगल में एक आपका फोटो पेस्ट करने का ऑप्शन होगा, तो उसको आपको घर से ही पेस्ट करके ले जाना है। अगर हम बात करें फोटो की, तो करंट फोटो अगर आपके पास है वो आप लगा सकते हो, नहीं तो जिस टाइम रजिस्ट्रेशन वाली फोटो आपने अपलोड की थी अगर वो आपके पास है वो भी लगा सकते हो। तो कोई भी फोटो चलेगा, लेकिन लेटेस्ट का हो तो वो और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, फिर उसमें आप देखोगे कि नीचे आपका लेफ्ट थंब का ऑप्शन है, फिर सिग्नेचर का है, तो ये दोनों चीजें जो है जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे इनविजिलेटर के सामने ही ये दोनों चीजें आपको करनी है। साथ ही साथ इसके लिए स्टैम्प पैड और एक बेल, एक आपका बॉल पॉइंट पेन आपको ले जाना है। अगर स्टैम्प पैड नहीं भी कैरी करते हो तो आपको वहां कहीं ना कहीं प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन पेन जरूर ले जाइएगा, क्योंकि वहां पर पेन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है जब आप एग्जाम में, क्योंकि कॉन्ट रीजनिंग आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, पेन चलाना पड़ेगा, तो पेन ध्यान से आप ले जाइएगा। ठीक है, अब अगर पीछे पेज में अगर आप देखोगे तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि एग्जाम हॉल में आपको हर हाल में रिपोर्टिंग टाइम से 15 मिनट पहले आपको पहुंच जाना है। ऐसा ना हो कि आप रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच रहे हो, क्योंकि एक बार गेट क्लोज हो गया एंट्री आपको दोबारा नहीं मिलेगी। साथ ही आपको एक ओरिजिनल ID और उसकी एक जेरोक्स, ठीक है, एडमिट कार्ड में जेरोक्स जो ओरिजिनल ID की है वो आप उसको स्टेपल कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे तो वो दोनों चीजें जो है वो आपको एक बॉक्स में डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपने साथ ऑलरेडी ये सब चीजें करके ले चले। और अगर हम बात करें ओरिजिनल ID की, तो ओरिजिनल ID आप वही कैरी करिएगा जिसमें आपकी फोटोज बिल्कुल क्लियर आ रही हो। कुछ लोग आधार कार्ड कैरी करते हैं, फोटो क्लियर नहीं होती है तो वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको दोबारा दूसरी ID के लिए कहा जाएगा। तो ऐसी ID ले जाएगी जहां पे फेस वगैरह आपको सही से दिख रहा हो। साथ ही साथ एडमिट कार्ड में जो आपका नेम है वही नेम आपकी ID में भी आपका होना चाहिए। आपका नेम पेरेंट का अलग है, लेकिन आपका नेम वही होना चाहिए। ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका सरनेम चेंज हुआ या कुछ ऐसा हुआ है, अगर उनका नेम ID कार्ड में सेम नहीं है तो आप कोई दूसरी ऐसी ID ले जाए जिसमें उसमें मेंशन हो, नहीं तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा उसको आप कैरी करके ले जाइएगा, जिससे ये आप वहां पे जस्टिफाई कर सके कि नहीं हाँ सर मेरी शादी हुई है इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो एक एफिडेविट भी आप ले जा सकती हो कि सर शादी होने की वजह से या कुछ भी। ठीक है, या जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कुछ कारण की वजह से नेम चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप किसी भी गेस्टर ऑफिसर से भी एक लेटर लिखवा सकते हैं या एफिडेविट वगैरह भी आप ले जा सकते हैं। तो ये चीज आप जरूर ले जाइएगा, क्योंकि अगर आप नहीं ले गए तो आपको वहां से एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर ले जानी है। ठीक है, मैंने आपको बॉल पॉइंट पेन ऑलरेडी बता दिया है, और आपको जो क्लॉथ्स है वो आप बिल्कुल भी ऐसे मत पहन के जाइएगा कि नहीं शर्ट्स में बड़ी बड़ी बटन, या वो आप नॉर्मल टी शर्ट हाफ टी शर्ट भी आप पहन के जा सकते हो, इवन लोअर हो गया, या शॉर्ट्स वगैरह भी आप चाहो तो पहन के वहां पर जा सकते हो, जितना लाइट आप पहन सकते हो उतना लाइट आप पहन के जा सकते हो। ठीक है, अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एग्जाम हॉल में एंट्री करोगे तो उस टाइम पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका होता है, तो वो आप जरूर करवाइएगा। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होता है वो आपका कह दिया जाता है एग्जाम हॉल में बात के किया जाएगा, और फिर बात के वो रह जाता है। अगर आपने वो करवाया नहीं तो आपका एग्जाम जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो अगर मे बी हर जगह करवाया जाता है, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जब एग्जाम हॉल से आप निकलेगा तो आपका एडमिट कार्ड और जो जेरोक्स है, कई लोग डाल के नहीं आते हैं, तो बॉक्स में आप जरूर डालिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो आपका डोजियर्स में लग के वहां से जो कमीशन कॉपी है वहां पे आपको दी जाती है वहां पे लग के वहां पे पूरा आपका एक फाइल में आपकी सबमिट होती है। ठीक है, तो ये चीजें जो आपको ध्यान रखने वाली है। बाकी आप शूज नहीं पहन के जाएगा, स्लीपर्स ही पहन के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ चीजें इसमें लिखी नहीं हुई है। इसके अलावा अगर कुछ भी ऐसा लगेगा तो मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन किया करें, आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो वहां पे आप ज्वाइन करें, वहां पर मैं कई सारी ऐसी चीजें हैं, टॉपिक्स हैं, GS के क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए बताता रहता हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इनके बारे में जानकारी जो है वो मिल सके। ठीक है।